हाय दोस्तों, आज हमारे पास ये वरना आई है 2018 मॉडल। तो ये गाड़ी स्टार्ट होती है और बंद हो जाती है, स्टार्ट होती है बंद हो जाती है। ये हमने गाड़ी स्टार्ट करी, ये बंद। ये भाई हमारे 30 किलोमीटर से एसी इग्निशन ऑफ ऑन करते हुए लेके आए गाड़ी। स्टार्ट कैसे रहती है ये स्टार्ट करी, ये बंद। बस इतनी देर के लिए स्टार्ट रहती है। सबसे पहले हम डायग्नोस करेंगे, फॉल्ट कोड हमारा इमोबिलाइजर का आ रहा है, इसके अलावा और कोई कोड नहीं है। लाइव डाटा, रेल प्रेशर देखेंगे सबसे पहले, ये देखिए प्रेशर कितना हाई बन रहा है इसका। ये PSI है, PSI बहुत ज्यादा बन गया है ये। चलिए चेक करते हैं क्या फॉल्ट निकलता है इसमें। तो ये हमारा बोस का सिस्टम है और एसी हम है हमारा 490। एक 840 आता है वरना के अंदर, वो इससे ओल्ड मॉडल में आता है, और ये है 490। तो हमारा जो है सबसे पहले प्रेशर सोलेनोइड जो है, ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे डायरेक्ट हो गया है, क्योंकि तभी ऐसी समस्या आती है कि गाड़ी स्टार्ट होना और बंद होना, प्रेशर हाई होना। तो इसका DRV वाल्व खोलते हैं और चेक करते हैं DRV वाल्व कैसा है हमारा, क्योंकि गाड़ी का साउंड बिल्कुल क्लियर है। क्लियर साउंड होके ही गाड़ी बंद हो जाती है। अगर नॉकिंग वगैरह रहती है, कुछ कड़कड़ाहट वगैरह रहती है इंजन में, तो हम रेल प्रेशर सेंसर पे जाते हैं। तो DRV खोलते हैं सबसे पहले इसका। तो दोस्तों ये हमने सोलेनोइड खोल लिया है और ये देखिए ये डायरेक्ट हो रहा है, इसलिए हमारा प्रेशर हाई हो रहा है, क्योंकि इसमें करंट आता है उस हिसाब से जिस हिसाब से रेल प्रेशर सेंसर ECU को सिग्नल देता है, उस हिसाब से ये ऑन ऑफ होता है। तो ये डायरेक्ट ही हो रहा है कंटिन्यू। ये हमने वोल्टेज दिया इसको 12 वोल्ट सेटअप वाल का, उसके बाद भी देखिए ये फूक डायरेक्ट हो रहा है, लॉक नहीं, ये बिल्कुल लॉक नहीं हो रहा करंट देने के बाद भी। ये देखिए ये ऑन है और फिर भी लॉक नहीं हो रहा। बाकी ये पिस्टन इसका पकड़ कर गया, हिलना बंद हो गया है, लेकिन फूक बराबर जा रही है। निकालो इसको सॉकेट को, ये सिर्फ सेंसर काम कर रहा है, इसका पिस्टन ऑन ऑफ नहीं हो रहा है। तो आइए बदला हमने, अब देखते हैं हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं होती है। चल लिया, ये हमने सेंसर बदला है, अब करते हैं गाड़ी स्टार्ट। लगाओ सेल्फ, करो बंद, करो करो स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।